आगे चलो खान साहब मुख्तसर सिर्फ बात कर ले खान साहब खान साहब मुझे बाहर निकलने दीजिए मेरी ड्यूटी अस्सलाम वालेकुम सर सर अस्सलाम वालेकुम सर तेरी ऊपर ऊपर से अनबिलीवेबल सर कल का जो आवामी शो था सर सर कल का जो आवामी शो था उस पे कमेंट कर सर इस साइड सर सर कल के शो पे कमेंट कर दे खान साहब कल के शो पे कमेंट कर दे कल अस्सलाम वालेकुम सर अस्सलाम वालेकुम सर अस्सलाम वालेकुम आए सर कमेंट कर दे कल के शो इज्जत अल्लाह देने वाले हैं सियासत अब शुरू हुई है अब इनको पता लगेगा कि कितने 20 का 100 है और वो करप्ट लोग कल इतवार को ये फाइलें बदलते रहे आज इन पे फर्दे जुर्म ना लगे ये 12-12 अरब रुपए के केसेस एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए फौज को सोचना चाहिए कि वो चेहरे जिनको कौम देखने के लिए तैयार नहीं है उन्होंने इतवार के दिन अपनी ब्यूरोक्रेसी का सहारा लेके फाइलें बदली हैं और मैंने कल प्राइम मिनिस्टर को कहा था पहले भी मेरी बातें नहीं सुनी गई कल तकरीबन ये फैसला था कि हम आज इस्तीफा देंगे मैं अब भी कायम हूं 3 दिन के लिए उम्रे पे जाऊंगा छोड़ूंगा नहीं और अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत कायम रह गई तो मेरा नाम शहबाज शरीफ रख देना रिजीम चेंज की कंस्पिरेसी से और जो उनके हैंडलर्स हैं और डार्क शेडोज हैं और जुडिशियल कू जो हुआ है उसके तहत एक प्राइम मिनिस्टर को जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड था उसको हटा के एक क्राइम मिनिस्टर आ रहा है जो अब प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के पीछे छुपेगा आज उसकी बेल की हियरिंग थी वो FIA ने कैंसिल करवा दी तो ये हालात हैं इस मुल्क में कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको अमेरिका लाना चाहता है ताकि वो उनके सामने झुकें उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी करें और अफसोस ये है कि स्टेट ऑर्गन्स जब इस कंस्पिरेसी का हिस्सा बनती हैं अच्छा मैडम एक सवाल का जवाब दे दें मैडम ये ACL पे नाम डाले हैं नहीं वो जो स्टॉप लिस्ट पे डाले आपने ट्वीट भी किया है वो किसने डाले हुकूमत तो भी आई नहीं है मैडम मेरी ट्वीट पढ़ ले मैंने यही सवाल पूछा है मैंने उर्दू में भी डाल दी है भाई आप बता दे रहे मैंने यही सवाल पूछा है कि नई हुकूमत आई नहीं किसने हुक्म दिया कि इन लोगों को ECL पे डालो और डॉक्टर अरसलान खालिद के घर पे रेड करो सवाल ये उठता है डार्क शेडोज से हुक्म आया कि अक्रॉस द अटलांटिक से हुक्म आया मैडम बताए ना आप तो मैं आपसे सवाल आप जर्नलिस्ट भी नहीं है और कैबिनेट के रुके मुझे पता होगा ना देखिए कौम अकलमंद है बाशऊर कौम है उनको सब पता है कैसे हो रहे हैं कौन करा रहे वैसे आज शहबाज शरीफ साहब पहला डिसीजन क्या लेने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर का मतलब देखिए शहबाज शरीफ साहब की जो पर्सनालिटी भी है और उनके घराने का जो एक तरीका कार भी है कि वो उनमें बहुत वजादारी है बहुत ज़्यादा बर्दाश्त है और यही कामयाबी की देखिए बाकी तमाम चीज़ें जो है वो ठीक हो जाती है लेकिन जो कामयाबी के अंदर इनकसारी है और जो इंसान की ह्यूमिलिटी होती है मेरे ख्याल में वो एक बहुत बड़ा एक इंसान के अंदर होता है तो उससे रिलेटेड इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम एक नए मोहब्बतों के दौर का आगाज देखेगी पहला फैसला क्या होगा परमेश्वर बनने के बाद क्या तहकीकाती कमीशन बनाने जा रहे हैं हिंट दे दी है और एक और बात भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया और उसके अंदर जो आपने ज़िमनी सवाल किया शहबाज शरीफ साहब अब 4.25 साल जो है वो हर किस्म के एहतसाब से नवाज शरीफ साहब उनका पूरा घराना 40 साल का हिसाब दे चुका है
ना सिर्फ पाकिस्तान की अदालतों में बल्कि बाहर की अदालतों में भी, और ना कभी एहतसाब से पीछे हटे हैं। एहतसाब से अगर कोई पीछे हटा है तो वो इमरान खान हटा है, और जो केसेस है जिस तरह है वो एहतसाब का अमल उसी तरह जारी रहेगा, ना कोई इसमें दखल अंदाजी करेगा, बल्कि ये बदबूदार सियासी इंतकाम नहीं होगा, ये इंसाफ पे मबनी एहतसाब होगा। अच्छा, ये कि अदब एतम की तहरीक किस मकसद के लिए थी, एक नलायक इनकॉम्पिटेंट और करप्ट रोला जो मुल्क के ऊपर मुसलत था, जिसकी वजह से साढ़े चार साल मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी, माशी तबाही, फॉरेन पॉलिसी की तबाही हुई, वो उसको जो मकसद था वो कामयाब हुआ। बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि मुल्क के जो हालात हैं वो कोई फर्द या कोई एक जमात उसको हल नहीं कर सकती, और चूँकि ये कोलिशन गवर्नमेंट है तो इसमें कंसेंसस भी होगा, इसमें कॉन्सल्टेशन भी होगी। वक्त बहुत कम है, ज़्यादा जो फोकस होगा वो इंतखाबी इस्तेहार पर होगा, और जो माशी इस वक्त सूरत हाल है, जो महंगाई है इस वक्त, जो बेरोज़गारी है इस वक्त, जो IMF का इस वक्त फोकस माशी होगा। लेकिन मैं ये भी जरूर कहना चाहती हूँ कि साढ़े चार साल जो टोला इस वक्त भी वही ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, वही नफरत अंगेजी कर रहा है, खुदारा अब आप चले गए हैं, इसको मुल्क के हालात को ठीक करने दें ताकि मुल्क की आवाम को कोई सुकून मिल सके। रमज़ान का महीना है, लोग चीनी के लिए लाइनों में खड़े हैं, आटे के लिए खड़े हैं, लोड शेडिंग साफ साफ हो रही है, तो मसाइल इतने ज़्यादा हैं, इनको भी चाहिए कि आराम से बैठ के मसाइल के हल की तरफ तवज्जो दें, नादर से आप आए तरीके चलाएँ जिस तरीके साजिश है, जिसका सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस बेसिस के ऊपर इस तरह हुआ है कि कोई गलियों में साजिश नहीं हो रही, वो गैर मैम ऐसी इलेक्शन में भी आप जिसको करने जा रहे हैं, देखिए ये सारा कुछ ऑपोजिशन है, जिसमें एक ही पूरी पार्लियामेंट तमाम जमातें बोलती 2017 में वही फॉर्मेट होगा कि तमाम जमातों को बताए गए इंतखाबी इश्तहार के लिए जो रिफॉर्म लाने के लिए मसाइल 2018 के इलेक्शन में वो तमाम, और ये लर्निंग प्रोसेस होगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म एक इवॉल्विंग प्रोसेस होता है, और उसके अंदर जब पूरी जमातों का कॉन्सल्टेशन होती है तो हर हर ओनरशिप आ जाती है, और यही हमारा मकसद है। तो अगर जैसे कि तहरीक इंसाफ का ये जो है वो रिजाइन कर जाएंगे, ऐसी सूरत हाल में क्या उनकी हिकमत अमली है, जो उनका दिल करता है वो करें, हमारी तवज्जो पाकिस्तान की आवाम तो नए इंतखाबात की तरफ तो नहीं जाएंगे, मतलब ज़िमनी इंतखाबात के अलावा जो प्रोसेस है वो इलेक्शन कमीशन बता देंगे, मेरे ख्याल में जितनी जल्दी करें तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आज इंतखाब होने जा रहा है नए कायदे ऐवान का, और जो उम्मीदवार है शहबाज शरीफ साहब उनका आज केस भी लगा हुआ था लेकिन एक्सटेंड हो गया, तो उस पर आप क्या कहेंगे आज? कौन सा इंतखाब, कौन सा कायदे ऐवान, कल रात को कौम ने सब ख़त्म कर दिया है, तमाम साजिशें नाकाम हो गई हैं, ये जाली हुकूमत, कठपुतली हुकूमत जो बनाना चाह रहे थे वो भी नाकाम हो गई है। मेरा पहले ख्याल था चंद दो चार हफ्ते निकाल लेंगे, अब तो ये चंद दिन ही निकाल सकती है हुकूमत। आज रिजाइन करने के हवाले से पीटीआई की खबर आ रही है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे, आपका जाती क्या ख्याल है कि पार्लियामेंट से चले जाना चाहिए? मेरा अपना जाती ख्याल है चले जाना चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया, ऑल्दो बहुत सारे टीवी चैनल्स पे प्रेशर था रात को कि ना दिखाएं, नई आने वाली हुकूमत ने तो अभी से वकील भी पीछे हटा लिए अपने केसेस में और मीडिया पे प्रेशर भी डालना शुरू कर दिया है, लेकिन कौम से कोई चीज़ नहीं छुपती, ज़रा सोशल मीडिया तो देखें, ये सारी बातें अब जो है ये सेकेंडरी हो चुकी हैं, अब सिर्फ इस वक्त एक बात रह गई है कि जो रात को अवाम ने ट्रेलर दिखा दिया है वो पूरी फिल्म कब शुरू होगी। सुबह असेंबली से भी रिजाइन करेगी पीटीआई? बिल्कुल, जो हमारी नहीं, अभी हमने इसका कोई फैसला नहीं किया, हम अपनी हिकमत अमली तय करेंगे, फिलहाल जो फैसला हुआ है कि हम कौमी असेंबली से करेंगे। नहीं तो क्या आप नहीं समझते, जब आप लोग हुकूमत थे अपोजिशन में वो तो बैठे रहे, इस्तीफे वो भी दे सकते थे, लेकिन अब चूंकि आप लोग अपोजिशन में आ रहे हैं तो आप लोगों को इसमें अपोजिशन में रह के मुकाबला नहीं? हम अपोजिशन में नहीं आ रहे, इस मुल्क में एक फॉरेन बैक्ड कू हुआ है, इस मुल्क के ऊपर एक फॉरेन बैक टेक ओवर हुआ है और एक साजिश की गई है, बैरूनी साजिश की गई है, और रात को अवाम ने अपना शो कर लिया कि जिसको अवाम ने मैंडेट दिया उन्होंने दिखा दिया कि कोई बैरूनी कुव्वत ये मैंडेट हमसे नहीं चुरा सकती, ये आज़ाद थोड़ा सा।